फरहान भाई यार ये फोन जावा है ना? ये फोन जावा है और इस वक्त जो है ये जावा में सबसे मतलब बहुत ज्यादा हॉट आइटम है। ए भाई वो जो इन्वेस्टमेंट करी थी इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट फर्स्ट क्लच में बाहर आ रहा है ये तो। यार गाड़ी चला रहा था एकदम से ना चर 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 आवाज आ रही है, मैं यावर भाई से बोलूं यार यावर भाई ये कहां से आवाज आ रही है यार। ये मटकियां तो तू लगा दे कुछ दिखना शुरू हो जाए, यहाँ पे मटकियां लाइन से लगा दे फिर इंशाल्लाह काम एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैटल सीन्स, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों तो अभी कोई 12 बजे का टाइम हो रहा है, मैं फार्म के लिए निकल चुका था, रास्ते में ही था कि मैंने सोचा कि यार काफी दिन हो गए बर्ड फार्म चक्कर नहीं लगाया, तो मैंने बोला कि यार चलते हैं आज बर्ड फार्म चलते हैं और आपको अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखाते हैं कि भाई कैसी चल रही है। तो अभी बस सिग्नल पे खड़ा हुआ तो मैंने बोला कि यार जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ, गाड़ी चलाते हुए तो आपका भाई बिल्कुल वीडियो नहीं बनाता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? तो भाई पहुंच गए बर्ड फार्म पे, जल्दी से चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। ओए होए भाई फुल पैक वैक कर दिया है, फुल वीआईपी सेटअप कर दिया है यहाँ पे इन्होंने। सर्दियों की वजह से ना तो ये पैक करना पड़ता है यार, क्योंकि यार इतनी छोटी सी होती है ये चिड़िया ना, तो इनको बहुत ही टेक केयर करनी पड़ती है सर्दियों में। कहाँ है भाई? भाई यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, कहाँ है सारे? यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे भी नहीं है, ऊपर होंगे। कहाँ है सारे? ऊपर है सारे। अबे ये भी, ओए भाई यावर भाई कहाँ हो? पूरे फार्म पे ढूंढ रहा हूँ यार। कैसे हैं? ठीक ठाक? क्या चल रहा है फिर? बस गोल्डियन के लिए हम एग फोस्टर कर रहे थे। गोल्डियन के एग फोस्टर कर रहे हो? मतलब कैसे फोस्टर कर रहे हो, कहाँ फोस्टर कर रहे हो? तो गोल्डियन है, इसके एग्स हैं, ये फर्टाइल्ड एग्स हैं। वो फुल लाल लाल ऐसी नजर आ रहे हैं, ये ऐसी नजर आ रही है, देखो कैमरे में देखो। हाँ, ये फुल लाल लाल और आपको क्लियर वाज होगा ना सर। हाँ तो ये कैसे पता चलता है? मतलब फुल रेड हो जाते हैं और इसमें लाइनें आ रही होती है ना, फर्टाइल्ड वो होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो ये कौन से पेयर के हैं? ये वाले पेयर के, ये रेड आई का मेल है और येलो बैक की फीमेल है। भाई इसके अंडे हैं, ये 6 के 6 eggs इसके, अल्हम्दुलिल्लाह 6 eggs और 6 के 6 फर्टाइल लग रहे हैं। और ये अब कहाँ रखने जा रहे हो, अब ये बताओ। ये अपने फोस्टर करूंगा ऊपर वाली यूनिट। अभी करोगे? जी बिल्कुल। तो भाई चलते हैं ऊपर वाले यूनिट में ना, इसके एग्स फोस्टर कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं ये फोस्टर का आखिर तरीका क्या है। पहले की वीडियो में बताया था लेकिन आज फिर बता देंगे, आज तो दिखा भी रहे हैं यार बकायदा फोस्टर करते हुए। जब पहले वीडियो बनाई थी ना तो यार हमारे जो बर्ड्स थे वो ब्रीडिंग पे लगे भी नहीं थे, वो हमने तोड़े हुए थे। तो अब फिर से ब्रीडिंग स्टार्ट हुई है ना यावर भाई? जी बिल्कुल है। ओ भाई यहाँ पे तो फरहान भाई मौजूद हैं, क्या चल रहा है? काम चल रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या लगा हुआ है? जावा लगी हुई है भाई, व्हाइट जावा की तरफ भी आते हैं, एल्बाइनो जावा है ये भाई, इसकी तरफ भी आते हैं। आप बताओगे पहले वो एग फोस्टर कर देंगे जल्दी जल्दी, ये सीन देख लेते हैं, ये मिस ना हो जाए। ये क्या कर रहे हो? इसकी हिस्ट्री लिखने के लिए जो है वो प्रॉपर मतलब क्या नाम है म्यूटेशन इस पर लिख करके फिर इसकी लगा देते हैं ताकि पता लग जाए, और डेट भी डाल देते हैं कि किस डेट में एग फोस्टर। मतलब ये डाल दोगे आप इस पर, आप इसका केज नंबर लिख दोगे कि कौन से केज से आया है और कौन सी डेट को आया है। उस केज में जो बर्ड है वो तो हमें पता है भाई कौन सा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आप दो दो लिख रहे हो, मतलब दो जगह पोस्टर करोगे या एक ही जगह? ये अलग अलग करूँ क्योंकि ज़्यादा बच्चे बैंगलीज को देने से जो वो फिर नुकसान होता है, वो सही से पालते ही नहीं है बैंगलीज, तो इसलिए ये है कि हम कम अंडे मतलब 3 पोस्टर से 6 अगर फर्टाइल है तो 3 अंडे 1 जगह 3 अंडे 1 जगह। अच्छा, ताकि बच्चे अच्छी ग्रोथ में बड़े हो जाए। तो भाई ये सीन है, गोल्डियन के एग्स वहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए, अब ये दे रहे बैंगलाइज को। बैंगलाइज देखें, ये फिंच है, कहाँ गई? ये देखें भाई, ये बैंगलाइज फिंच है। ये होती है बच्चों को पालने में ना सबसे अच्छी, तो गोल्डियन जो होती है, गोल्डियन इतना अच्छा बच्चों को नहीं पालती, तो उसके एग्स उठा के ये बैंगलाइज को दे देते हैं और ये पालती हैं। ये डमी एग्स हैं, ये डमी एग्स हैं। अच्छा, इनको पता करने का तरीका ये है कि बर्ड बैठ रहा ही नहीं, बैठ रहा बैंगलाइज, अभी देखें गर्म हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, उसको पहले हम फील करते हैं गर्म हो रहे ही नहीं हो रहे, तो मतलब ऐसी किसी के नीचे भी एग नहीं रख देंगे भाई, जिसके नीचे आपने डमी एग्स रखे हुए प्रॉपर आपको पता है ये अंडों पे बैठती है उसी के नीचे अंडे रखेंगे ना, वरना जाया हो जाएंगे। तो भाई ये सीन है, फ्रिज को पहले से ट्रेन करके रखा हुआ है डमी एग्स के ऊपर ना, वो अगर अंडों पे बैठ रही है उसी को अंडे देंगे, ऐसे अंडे जाया नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छा पालती है यार बैंगलाइज फिंच ना बच्चे, यावर भी ऐसा ही है, सबसे अच्छा ये पालती है ना। चलो भाई, तो 3 अंडे तो रख दिए इन्होंने, कौन से वाले? इसमें 3 अंडे इसमें चले गए।
तो भाई ये वाला पेयर है, इनको पता है कि भाई ये अंडों पे बैठ रहा है और प्रॉपर तरीके से ना अंडे को इंक्यूबेट कर रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे 3 अंडे रख दिए और अभी ये 3 अंडे और रखे हुए हैं और ये कहाँ पे जाएंगे अब ये देखना बाकी है। अच्छा ये यहाँ पे लगा दिया चिट के भाई इसके 3 अंडे। सही, तो भाई यहाँ पे देख लेते हैं फरहान भाई ये क्या कर रहे हो, अभी क्या लगा रहे हो उसको? यार ये हैं जावा के पट्टे, जावा के पट्टे हैं ये अभी रेडी हो गए हैं, तो उनको मूव कर रहे थे ना फ्लाइंग केज में, तो ये होती है स्केट, ये एक तरह से मेडिसिन है, मतलब ये बर्ड्स के लगाई जाती है, जैसे पट्टे मूव करते हैं हम तो जब लगाते हैं, और वैसे तमाम बर्ड्स के अपने पूरे सेटअप पे हर 3 महीने बाद लगाते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि बर्ड्स को जो बैक्टीरिया जंग्स वगैरह होते हैं ना वो रिमूव होते रहते हैं उसकी बॉडी से, तो स्केट जो है ये काम आती है इनके, और जब भी हम पट्टे उठाते हैं केजेस से तो लाजमी उनके लगा के फिर हम फ्लाइंग केज में मूव करते हैं। सही, ताकि इनको किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया जंग्स वगैरह जो है सही वो ना हो। तो भाई ऐसे ही सीन है, जो हम लोग जानवरों को भी वैक्सीन लगाते हैं प्रॉपर तरीके से, इनकी भी टेक केयर की जाती है, इनको भी प्रॉपर चीज़ें लगाई जाती है, इनकी भी वैक्सीनेशन होती है, तो ताकि इनको भी कोई जरासीम में बीमारी ना लगे। फरहान भाई यार ये फ़ोन जावा है ना? ये फ़ोन जावा है, और इस वक्त जो है ये जावा में सबसे मतलब बहुत ज़्यादा हॉट आइटम है। अच्छा, मार्केट के अंदर आप जैसे इस वक्त जो है ना काफ़ी वैल्यू रखता है फ़ोन जावा, इस वक्त भी ये तकरीबन 35,000 30,000 मतलब मुख्तलिफ प्राइस हैं, कोई 30 का भी दे रहा है, कोई 35 का भी दे रहा है, कोई 40,000 का भी दे रहा है। 40,000 रुपये का मतलब 40,000 रुपये का एक फ़ोन जावा का पेयर है। हाँ। अच्छा, और अच्छा एक 35,000 रुपये भी है, 32,000 भी है। अच्छा एक बात बताएं, अगर मैं एक फ़ोन जावा का पेयर ले लूं, उसको मैं मेरे पास ब्रीड भी करता है, तो वो कितने अंडे दे देगा और कितने बच्चे हो जाएंगे मेरे बहुत पास? बहुत अच्छा इसका ये समझ लो कि रिजल्ट है जावा का, आप ये समझ लो कि अगर आप एक 35,000 रुपये का पेयर लेते हैं कहीं से भी और अच्छा पेयर आपने लिया फ़ोन जावा का, तो वो 6 अंडे देते हैं, 6 से 7 अंडे भी देते हैं, 8 भी देते हैं, कोई अच्छा ज़्यादा अच्छा पेयर हो तो 6 अंडों का आप एवरेज रख लें तो 6 बच्चे निकलेंगे उसके अंदर से, और एक बच्चे का जो पट्टा बिकता है ये 2.5 महीने का 3 महीने का मार्केट के अंदर इस वक्त चल रहा है 8,000 रुपये का 10,000 रुपये का, तो अगर आप 8,000 से भी लगा लें तो 32,000 के 4 हो गए। अरे भाई वो जो इन्वेस्टमेंट करी थी, इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट फर्स्ट क्लच में बाहर आ रहा है ये तो। और भाई ऐसा कुछ दाने वाने का भी चक्कर नहीं है इनका, जैसे कि जानवरों में भाई वंडा खिलाना है, दलिया खिलाना है, चना अट्टी देनी है, इसमें तो क्या करना है, सिर्फ दाना देना है? इसमें दाना होता है इनका, ये मैं दिखाऊं तुम्हें, ये तो खैर मैंगनीज के साथ है, ये जावा का दाना होता है, इसमें जावा का अलग दाना होता है, सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, और इनका फूड का हिसाब होता है, जितना अच्छा आप इनको डाइट दे दो, जितना अच्छा इनको फूड दे दो आप, उतना अच्छा आपके पास रिजल्ट आएगा। तो भाई देखिए जावा ना स्पैरो होता है, नॉर्मल फिंचेस में नहीं आता, जावा थोड़ी बड़ी फिंच होती है ना, मतलब जावा स्पैरो कहलाती है, तो इसका आप देखें दाना भी थोड़ा अलग तरीके का होता है, इसमें सीड्स भी है, मतलब नॉर्मल आप फिंचेस का दाना देखेंगे ना तो उसमें कंगनी होती है, बारी कंगनी, मोटी कंगनी, ये चीज़ें मिक्स होती हैं जो हम देते हैं यहाँ पे चलाते हैं, और ये जो होता है ना ये बिल्कुल बजीज वाला जो ऑस्ट्रेलियन तोते जो दाना खाते हैं ना बिल्कुल सेम टू सेम जावा का वही वाला दाना है ना? हाँ वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, कुछ चीज़ें मिक्स होती हैं इसके अंदर, कनेरी सीड वगैरह होती है। अच्छा मतलब इसमें भी थोड़ी बहुत एडिशन करते हैं? चावल वगैरह, चावल को बहुत पसंद होता है, इसमें डलवाते हैं। सही, तो मतलब यार ये लोग अपना ना प्रॉपर अलग तरीके से, मतलब आप लोग अपना फीड तैयार कराते हो ना, जो मार्केट में जैसे कि मिक्स दाना मिलता है उसको लेने के बाद उसमें और चीज़ें ऐड कराते हो? मार्केट में जो मिक्स दाना मिलता है वो भी जावा का जैसे मिलना होता है, लेकिन हमें पता है कि भाई जावा को जो है क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए फूड के अंदर जिससे अच्छा रिजल्ट आए, तो हम अपने हिसाब से तैयार करवाते हैं, फिर उसके सुबह सुबह फिर इनका एग फूड बनता है डेली, जिसमें एग्स वगैरह होते हैं, उनके एग शेल का पाउडर होता है, फिर झींगा पाउडर होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो भाई ये तो बहुत सारी चीज़ें, अगर बर्ड्स की प्रॉपर नॉलेज देनी हो ना तो हर वीक में तो एक वीडियो तो बनानी पड़ेगी इसके ऊपर ना, तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी। तो यार फरहान भी कोई ऐसा है कि बच्चा बच्चा आया वो अभी छोटा सा हो बिल्कुल या अंडे वंडों से निकला हो, ऐसा कोई सीन चल रहा है क्या? बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे चल रहे हैं। अबे यार तो यार जावा की ब्रीडिंग देखते हैं, फरहान भी कह रहे हैं बच्चे बच्चे भी आए हैं तो वो दिखाएं यार। और ये हांडियां लगाई नहीं, इसका क्या मकसद है? मतलब हर जगह बॉक्सेस लगे हुए हैं, कहीं कहीं हांडियां लगाई हुई हैं। होता ये है कि कुछ बर्ड जो है वो बॉक्स में सेट हो चुके हैं, जो बॉक्स में लेंग कर रहे हैं, और वैसे ज़्यादातर मटकियाँ अच्छी रहती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मटकों में भी रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, तो अपने अपने ये कि पेयर जिस चीज़ पे सेट हो जाए आपकी, कुछ मतलब जो जिसका आदि है ना, मतलब वो उसी चीज़ पे चला रहे हैं आप, मतलब आप देख रहे हो कि बॉक्सेस भी लगे हैं, वो मटकियाँ भी लगी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सबके अंदर जो लिंग वगैरह चल रही है, मतलब जिसका बॉक्स में रिजल्ट नहीं आ रहा मटकी लगा के चेक करेंगे कि भाई मटकी में रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसा बाहर लगा लें, अंदर लगा लें और अच्छा है कि इसके अंदर लगा लें। अच्छा,
तो और अच्छा हुआ। हाँ वैसे मैंने देखी है ना, जहाँ भी देखी अंदर लगी हुई देखी, भाड़ लगी हुई ना, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये है कि हम लोग अपने बस का जो है काम वगैरह ख़त्म करके उनको फिर टाइम दे देते हैं, डिस्टर्ब वगैरह नहीं करते, सारे काम जो अपना मैक्सिमम 12 बजे तक निपटा देते हैं। अच्छा, उससे ये होता है कि बर्ड जो है फिर वो देखते नहीं, चैल पैल नहीं हो रही, तो वो बाहर ही मटकी लगी होती है, उससे भी डिस्टर्ब नहीं होता। अंदर लगाने का ये होता है कि भाई अगर आप आ रहे जा रहे हो तो अंदर मटकी में बैठा हुआ डिस्टर्ब नहीं हो रहा। सही बात है, सही बात है। तो भाई मैं दिखाता हूँ बस ये है कि बच्चे देख के आप माशाल्लाह कहते रहिएगा। जरूर जरूर, क्योंकि अभी माशाल्लाह काफी जगहों पे है, कोई भी है तो भाई इतना हॉट आइटम है, जाहिर सी बात है यार, जो हॉट आइटम होते हैं ना मार्केट में सब उसके पीछे लगे हुए होते हैं कि भाई किसी तरह उनको वो मिल जाए, उससे वो कमा ले। तो उसके हमारे पास अच्छी खासी ब्रीड आई हुई है, तो भाई माशाल्लाह जरूर बोल दीजिएगा। बड़ी मेहनत है, पूरा सीजन की मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा ही है ना फरहान भाई, हटा के रखना पड़ता है। मतलब सीजन ऑफ होता है ना, सीजन ऑफ में इनकी सही पलाई होती है, मतलब जानवरों की हम करते हैं ना, अच्छा खाना देते हैं, अच्छी मेडिसिन देते हैं, ताकि वो जब सीजन आए, जब ब्रीड पे लगे, अच्छी सी अच्छी ब्रीड दे। तो ये देखिए भाई माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये फोन जावा के, ये फोन जावा के ठीक से ये देखिए अभी छोटे हैं ये, इनकी यहाँ पे तमाम हिस्ट्री होती है। अब ये 24 नवंबर को हैच हुए थे यहाँ पे ना, 24 नवंबर को ये 50 ये पेरेंट्स बॉक्स लिखा हुआ है इनका, फोन जावा कौन सी म्यूटेशन थी, मतलब ये भी अच्छा पोस्टर किए हुए, ये पोस्टर किए हुए मैंने बेंगलैस के पास। हमारा तरीका ये है कि हम बेंगलैस को जो है वो अगर 6 अंडे ब्रीडर करके आए वो तो हम 3-1 बेंगलाइज को देते हैं, 3-1 बेंगलाइज। इतनी छोटी सी बेंगलाइज होती है और इतना बड़ा जावा होता है, वो पाल लेती है इसके बच्चे को? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पाल लेती है। अभी आपके सामने पट्टे मैंने मूव करें, देखें। हाँ भाई ये देखिए भाई, ये बेंगलाइज ने पाले में जावा की ब्रीड आई हुई थी, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था ना यावर भाई गोल्डियन के एग्स उठा के बेंगलाइज के नीचे रख रहे थे, वैसी ये जावा के एग्स थे, इनको बेंगलाइज के नीचे रखा और ये हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई यार बेंगलाइज कोई आउट क्लास फिंच है, इतनी छोटी सी है और सबसे सस्ती फिंच जो है वो बेंगलाइज ही है, और महंगे महंगे बच्चे पालती है, ऐसा ही है, सबसे सस्ती बेंगलाइज और सबसे ज्यादा काम वो करके देती है। 3-4 पीस मिल जाते हैं, कहीं 3 मिल जाएंगे, और ये होता है कि फिर आप उससे लाखों रुपए वाला जो ब्रीडर पेयर होता है ना, आप उसके भी वहाँ पे एक पोस्टर करके उनके बच्चे पलवा सकते हैं। तो भाई ये यार मतलब एक 800 रुपए की फिंच लाख रुपए का बच्चा पाल लिए। बस ये कि उनकी भी आपको चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, बेंगलाइज की भी, उनको भी फूड वगैरह और उनका दाना तो उनका तो ज्यादा प्रॉपर रखना पड़ता होगा गाइस, वो तो सब पाल रहे हैं, बच्चे को फीड करा रहे हैं, तो उसके लिए भाई बहुत चाहिए। आपको और बच्चे दिखाऊं? आ जाओ भाई, तो और बच्चे देखते हैं यार, फरहान भाई ने फुल भाई ब्रीडिंग ली हुई है, असल में अभी बच्चे बेंगलाइज को फीड करा रहे हैं, यहाँ सब जगह बच्चे आए हैं, आपको थोड़े थोड़े दिखा रहे। ओ भाई यहाँ पे फीड करा रही है ना, ठीक है ना, देखें ये फीड करा रही है बच्चों, यहाँ भी अंदर, यहाँ भी भाई आप देख सकते हैं कि भाई बेंगलाइज फीड करा रही है, बंद कर दो भाई, डिस्टर्ब ना हो ना, यहाँ पे भी माशाल्लाह भाई 4-5 बॉक्सेस, मतलब जो बॉक्स खोल रहे हैं उसमें बच्चा आ रहा है फरहान भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। जो ब्लैक दिख रही है आपको ये तो बेंगलाइज है, हाँ। और व्हाइट जो दिख रहे हैं ये जावा के पट्टे हैं, ये इन्होंने पाल के बड़े हो गए हैं, मतलब ये बॉक्स से बाहर आ गए हैं। इनको मैं अभी यहाँ से आज मूव कर दूंगा इस, इनको मतलब आप ये क्या लगा रहे थे आप? ये स्कैटी स्कैट लगा के इनको भी फ्लाइंग केज में डालेंगे, इनको भी फ्लाइंग केज में डाल देंगे। अब इनके पाँव में जैसे रिंग होता है हमारा, तो हम इनका रिंग नंबर नोट करके, क्योंकि हमारे पास कुछ जगहों पे पेयरिंग इस तरह भी हुई होती है कि फ़ोन के साथ अगर दूसरा बर्ड लगा हुआ सिल्वर जावा लगा हुआ तो उनके स्प्लिट्स वगैरह आए होते हैं, तो याद रहे हमें कि भाई हमारे पास इसके अंदर कौन सा स्प्लिट है कौन सा नहीं, अपने पास नोट करते हैं और फिर वहाँ से मूव कर देते हैं। आप इनका सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप इनका साइज़ देखें जावा के पट्टों का, पट्टों का मतलब बड़ों जितना साइज़ है यार अभी से, ये अभी प्रॉपर जो है 2 महीने के समझ लो होने वाले, तो इनका साइज़ अभी माशाल्लाह इतना है, क्योंकि इनका जितना हम ख्याल रखते हैं ना हेल्थ का, कि उसके अंदर जो चीज़ें जाती हैं एग फूड वगैरह है, सॉफ्ट फूड वगैरह है शाम में, फिर तो झींगा वगैरह होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो इनका फिर ये होता है कि इनको साइज़ वगैरह बहुत अच्छा निकलता है और बहुत अच्छी हेल्थ होती है, और आगे भी फिर ये इसी तरह जो है ना अच्छी लेइंग करते हैं, अच्छी ब्रीड करते हैं। तो भाई आपने सुना कि फरहान भाई ने बताया प्रॉपर पट्टे की भी देखभाल करनी पड़ती है, तो यही सीन चल रहा है कि भाई अंडा आता है डब्बे में जाता है, उस पर बेंगलाइज बैठती है, बच्चा निकालती है, उसको फिर उसी केज में फ्लाई सीखता है थोड़ी, वो फिर फ्लाइंग केज में चले जाता है, फिर वो इसी बॉक्स में दिखेगा आपको बच्चे पैदा करता हुआ, वही पट्टा। तो भाई यही चलता रहेगा, यही सिस्टम है, ये चलता रहेगा, केजेस बढ़ते रहेंगे। आराम से बोलिएगा माशाल्लाह 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 भाई, चार बच्चे हैं, चारों फोन जावागे, ये चारों जो है ये फोन के नहीं है, ये वाइट के हैं, वाइट जावागे। तो भाई वाइट जावागे बच्चे यार देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से लग रहे हैं,
यहाँ भी देखिए आप, भाई ये देखिए बंद कर देते अभी, माशाल्लाह भाई उड़ गई यार, उड़ गई। चलो यार बंद कर दो, बंद करो, डिस्टर्ब ना हो। जितना हमारे बॉक्सेस दिख रहे हैं येलो टैग का मतलब होता है यहाँ पे अभी हमने एक्सपोर्ट कर दिए, और ब्राउन टैग जितने भी हैं तमाम के तमाम जो सब बच्चे यहाँ पे हैच हो चुके हैं। तो भाई ये प्रॉपर लगाया हुआ है येलो टैग से पता चलता है कि इसमें अभी अंडा है, बच्चा हैच नहीं हुआ है। और ब्राउन टैग का मतलब है मतलब बच्चा हैच हो चुका है इसमें। लिख देते हैं कि जैसे 8 नवंबर को, मैं आपको कल वाले दिखा देता हूँ, कल भी है क्योंकि डेली अलहमदिल्ला हैचिंग चलती रहती है। जैसे मूव करते रहते हैं, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है ना 30 नवंबर, देखें भाई 30 नवंबर हैचिंग लिखा हुआ है, मतलब ये कल ही हुए हैं। और ये देखें भाई छोटे छोटे बेंगलाइज के नीचे, ओए ओए, और ये देखें कितना छोटा सा है, और ये भी जावा का है, ये भी जावा के, और ये भी इनको बंद कर देते हैं, डिस्टर्ब हो रही है बेंगलाइज ना, डिस्टर्ब हो रही है, बंद कर दे भाई, बंद। आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने जितने बॉक्सेस देखे मतलब 100% में से मतलब 80% में बच्चे हैं, तो इनका प्रॉपर वीआईपी ख्याल रखना पड़ता है। पूरे दिन से सुबह से फरान भी लगते तो शाम तक ख्याल रखते तो ये रिजल्ट्स आते हैं, ऐसे ही नहीं आ जाते। तो भाई आप लोगों ने देखा कि भाई हमारा बर्ड सेटअप कैसा चल रहा है, कौन जावा और गोल्डियन किस तरह की ब्रीडिंग चल रही है, किसके एग उठा के हम लोग किस तरीके से पोस्टर कराते हैं, तो इस तरीके से पूरा सेटअप चल रहा है। और माशाल्लाह से भाई सारे के सारे बर्ड्स यहाँ पे वीआईपी चल रहे हैं। और यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पे ये देखें भाई ये डव है, अभी ये डव इस तरीके से यहाँ पे छोड़ी हुई है, अभी ये रेडी हो रही है, जब ये रेडी हो जाएंगी तो वो भी यहाँ पे, कहाँ गई डव नहीं है, अच्छा ये रही, यहाँ पे इस तरीके से केजेस में लग जाएंगी। वो देखें भाई ऊपर बैठी हुई है, अंडे वंडे का मूड लग रहा है इसका, ये में कहाँ अंडे, बराबर वाले ने, ओ भाई ये भी अंडों पे बैठी हुई, इनको तंग नहीं करते। तो ये फिंचेस से अलग है, फिंचेस बॉक्स में ब्रीड करती है, ये इस तरीके से ब्रीड करती है। तो भाई ये भी डफ फिंच, और ये अच्छी अच्छी म्यूटेशंस लगी हुई हैं, कोई हल्की फुल्की म्यूटेशंस नहीं होंगी इसमें, बहुत ही टाइट टाइट यावर भाई ने चुन चुन के नगीने रखे हुए हैं यहाँ पे, डायमंड पाइड है, रेड पाइड है, ब्लू पाइड है, वाह भाई वाह। तो चलो यार चाय वाय पिला दो, फिर जल्दी से नमाज पढ़ने जाना है यार। तो गाइस यार यही करते हैं, जल्दी से चाय पीते हैं और नमाज पढ़ने चलते हैं, और फिर फार्म भी पहुंचना है यार। तो दोस्तों बर्ड्स फार्म से फ्री हो गए, हम निकल चुके थे, अभी जा रहे थे हम लोग अपने फार्म की तरफ। यावर भाई भी मेरे साथ हैं, यावर भाई सेट हैं, वीआईपी भी। तो भाई यावर भाई भी साथ हैं, फरहान भाई को भी लेना था, लेकिन फरहान भाई की थी बेटे की तबीयत खराब, तो उन्होंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, उनको वहां पे जाना था, तो हम दोनों निकल आए। तो रास्ते में सीन कुछ ऐसा हुआ, मेरे एक अजीज दोस्त हैं अब्दुल गफरान भाई, उनकी मेरे पास कॉल आई, उन्होंने बोला कि यार मेरे अब्बू ना कोई 2-3 महीने का बकरे का बच्चा लेके आए हुए यार, उसको फार्म पे रख सकते हो। मैंने बोला कि यार क्यों नहीं रख सकते यार, आपका अपना फार्म है। तो उन्होंने बोला कि यार रास्ते से अगर गुजर रहे हो तो वो लेते हुए चले जाओ, और उनका ना जो क्लिनिक है यहीं पे हमारे रास्ते में ही पड़ा, तो वो सामने ही खड़े हुए, जल्दी से चल के उनसे बकरा पकड़ते हैं, डिग्गी में डालते और निकलते हैं फार्म पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई गुफरान भाई, ठीक ठाक, क्या हो गया इसको, कैसे फार्म पे पहुंचाना पड़ रहा है, रात में तंग कर रहा है बेचारा, हाँ अकेला है। तो भाई इसके साथ हमारे बहुत सारे साथी हैं वहाँ पे इसका ख्याल रखने के लिए, तो इसको कहाँ डिग्गी में डाल के ले जाएंगे, कुछ होगा तो या पीछे सीट पे बिठा दें, कुछ गंदा तो नहीं कर देगा, कपड़ा रख के डाल दें पीछे, रख दें डिग्गी में, तो सही नहीं होगा ना, पीछे ही सही रखेगा सीट पे, डिग्गी में यार दोस्तों मेरा दिल नहीं मान रहा, तो पीछे सीट पे रखते हैं इसको, किसी तरह की जुगाड़ बनाते हैं। कोई कपड़ा है आपके पास, कपड़ा है, कपड़े के ऊपर ना इसकी टांगे बांध के ना रख देंगे ना, जो कुछ गंदगी भी करेगा ना वो कपड़े के ऊपर ही करेगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। बहुत प्यारा सा बकरा है माशाल्लाह यार, ये तो छोटा 2-3 महीने का बच्चा होगा, 3 महीने का है ना, माशाल्लाह यार बहुत प्यारा कलर है इसका। तो भाई इसको जल्दी से डालते हैं और अब आपको मिलेंगे डायरेक्ट फार्म पे। हाँ तो दोस्तों बकरी का बच्चा जो है लोड करके निकल चुके थे, फार्म पहुंच भी चुके हैं, आप देख सकते हैं भाई सामने अल बाइस कैटल फार्म लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं बड़े मजे से ना, इन्होंने क्या किया यार, बहुत उछल कूद मचाइए, कभी यहाँ चढ़ के आ रहा है, कभी कहीं चढ़ के आ रहा, ये तो चढ़ के आ रहा है, ये जो मेरी गाड़ी में इसने गंदगी मचाई है, जो पानी की आवाजें आ रही थी पीछे से। तो गाइस यार गाड़ी चला रहा था, एकदम से ना चर 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 आवाज आ रही है, मैं यावर भाई से बोलूं यार, यावर भाई ये कहाँ से आवाज आ रही है यार, गाने तो प्रॉपर चल रहे, स्पीकर से तो नहीं आ रही। तो ये साहब भाई ये गाड़ी में अपना सुसु कर रहे थे, ये कर चुके हैं, और इतनी इसने यार हरकतें करी है, कूद कूद के यावर भाई के ऊपर आ रहा था पीछे से, तो इसका नाम हमने रख दिया चुलबुल। तो मैंने सोच लिया यावर भाई इसका नाम चुलबुल है भाई, ये नाम रख दिया इसका, और ये नाम के साथ फार्म पे एंट्री करेगा। चलो भाई चुलबुल लेके आ रहे हम, खोलो खोलो चुलबुल आया है, क्या वो सो गया, अबे सो गया, सही है ना भाई, हेलो हेलो मिस्टर, क्या हुआ चुलबुल, चुलबुल इधर देखो कहाँ बैठे हो, ये क्या किया तुमने मेरी गाड़ी का हाल, ये घास वास गिराई हुई है, और यहाँ पे तुमने सूसू भी करा है यार, क्या कर रहे हो तुम ये,
हाँ उठो, और सो रहे हो अभी तुम, अभी आ गया घर, उठो। चलो भाई, सुलेमान चचा ने खोला आज दरवाजा। आबिद कहाँ गायब है भाई, कहाँ गायब है आबिद? आबिद इधर ही है, बछड़ों में। बछड़ों में? तो यार इधर आओ ना यार, एक चुलबुल लेके आए हम। ऐसे हो भाई? ठीक ठाक ठीक ठाक। एक चुलबुल चीज लेके आया हूँ आज। ये क्या चीज है भाई? वीआईपी चुलबुल चीज भाई, दिखाओ तो सही भाई। ये देखो भाई, वहां से वहां चले। अच्छा भाई वहां से है, हम समझ रहे यार, मैं समझा कि ये वाला दरवाजा है, लेकिन वो वाला दरवाजा है यार। ये देखिए भाई, चुलबुल बैठे हुए। आजो माशाल्लाह भाई, ये कहां से लेके आए भाई? ये मेरे दोस्त का है, उसने पलाई पे भेजा है। उसने बोला है भाई इसको पालें, उनसे संभाला नहीं जा रहा, रात को बहुत शोर वोर करता था, उनके पास कोई प्रॉपर जगह भी नहीं थी। ये देखो ना, उन्होंने शटे वटे पहनाई हुई इसको, तो इसको निकालें, 3 महीने का बच्चा है। अच्छा माशाल्लाह, हमें ऐसी जगह पे रखेंगे उसको, सर्दी भी नहीं लगेगी। हाँ वीआईपी लगेगी ना यहाँ पे, सही है ना? सही जगह आ गया ना, इसके पाँव बांधे हुए। आप इसको सही से निकालें, अपन निकालते हैं, इसकी खोलते हैं इसको, फिर छोड़ देते हैं, घूमेगा फिरेगा, तगड़ा हो जाएगा। चले निकाले निकाले निकाले। तो भाई ये देखे यार, घास वास, और यार सुलेमान चचा इसने मेरी गाड़ी में ना वो कर भी दिया है, जो पानी वानी सब निकाल दिया इसने अपना, साफ करते हैं ना अपन। हाँ यार, इसको देख लेना यार थोड़ा सा यहाँ पे ना। ये देखे भाई दोस्तों, सारी की सारी गाड़ी का मेरा हाल देखे, क्या कर दिया है इसने। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं है, इसकी शर्ट कपड़े उतार दो भाई इसके। ये देखेंगे तो अभी देखने में आया, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारा है ना? बहुत बेहतरीन। हाँ यहाँ पे वीआईपी यार मजे करेगा, कूदेगा उदेगा भाई। इसकी रस्सी निकाल दो, इसकी रस्सी वाला सिस्टम ही खत्म कर दो अब यार। यही तो लेके आया हूँ, चुलबुल। क्या नाम है इसका? चुलबुल। चुलबुल, ये अभी अभी नाम रखा है मैंने बाहर। ये भाई इतना चुलबुल है, यावर भाई के ऊपर मुंह पे चढ़ रहा था। हाँ रस्सी वस्सी खोल दे इसको, प्रॉपर कर दे। मैं जब तक अंदर जाके थोड़ा बैठता हूँ। मुझे चाय पिला रहा है नहीं पिला रहा है? सर में दर्द हो रहा है मेरे। यावर भाई ने मुझे फार्म पे चाय पिलाई, लेकिन ये वाले फार्म की चाय का नशा हो गया है मुझे। ये यार दोस्तों पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे जो ताजे दूध की चाय है ना यार, वो इतनी अच्छी लगने लगी है ना, उसके सामने कोई चाय मजा ही नहीं कर रही है यार। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई। तो जल्दी से बना के पिला। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, कहाँ लेके जा रहे हो ये तुम? तब हाँ ये अभी वंडा भिगोएंगे ना। वंडा भिगो रहे हो? जी हाँ। रात वाला? जी हाँ रात वाला भिगो देते हैं। अबे तो शाम का तो वंडा हो गया ना, रात वाला कौन सा वंडा भिगो? मतलब सुबह का नाश्ता अभी से भिगोगे ना? हाँ ना यार, ये बोलो ना, रात वाला वंडा, रात वाला वंडा। रात में मैंने बोला यार ये कौन सा वंडा देने लग गए, जो मुझे पता ही नहीं है सुबह वंडा होता है और शाम में होता है भाई। तो ये कर रहा है, ये रात में ना, ये जो हमारा सुबह का जो वंडा होता है ना, रात में इसमें भिगो के रख देगा और वो सुबह तक रेडी हो जाएगा वीआईपी तरीके से ना। और शाम वाला सुबह 9 बजे रख देता है तू, तो वो भी शाम तक रेडी हो जाता है। इतनी सी बात तुझे समझ नहीं आ रही यार। तो दोस्तों भाई ये सीन है, ये वंडा वंडा रेडी कर रहे हैं, और आप देख रहे होगे कि भाई इतना अंधेरा हो गया, और मैं बकरा लेके आया था यार। यावर भाई आए हुए थे, यावर भाई के साथ एक दो दोस्त और आ गए थे, और यावर भाई कह रहे थे यार मैं काफी दिनों बाद आया, मुझे सारे जानवरों की प्रोग्रेस देखनी है, तो उनको सारे जानवरों की प्रोग्रेस दिखाई। तो अभी ये टाइम हो गया, आपके सामने अजान हो रही है और यावर भाई भी जा चुके हैं, तो इंशाल्लाह अजान के बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि भाई हम लोग ये मटकियां लेके आए थे अपने रैबिट हाउस के लिए, जो कि रैबिट हाउस में काम नहीं आई, ये छोटी थी, फिर हम लोग बड़ी वाली लेके आए तो ये ऐसी रख दी थी, तो ये वापस नहीं कराई थी। मैंने बोला था कि यार इसकी भी कोई जुगाड़ बनाएंगे, तो ये ऐसी रखनी है? नहीं नहीं, और शौक करना है इंशाल्लाह इस पे। क्या शौक करना है? वो नहीं, अमेरिकन तोते होते हैं। अमेरिकन? वो ऑस्ट्रेलियन? ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन। हाँ तो भाई ऑस्ट्रेलियन तोते लेके आएंगे अभी, मैं उसके लिए जगह मैंने डिसाइड करी है कि कहाँ लगाने चाहिए, तो मैं आपको अभी चल के दिखाता हूँ। तो ये वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग अवेरी बना देंगे इनकी। तो दोस्तों ये वाली जगह है, वो देखें भाई कितनी खुली खुली है, जो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग अपने बजीज पैरेट्स और छोटे छोटे लव बर्ड्स वगैरह सारे यहाँ पे लाके रख दें, और ना इन मटकियों को ना इधर इस मटकी को पकड़ और इस दीवार पे लगा, मतलब ऐसी पकड़ के रखियो, छोड़ नहीं दियो। तो यहाँ पे ना ऐसे दीवार पे करके ना हम लोग सारी जितनी भी मटकियाँ ना हम इस दीवार पे लगा देंगे और इसको पूरा पैक कर देंगे, और इसमें हम लोग लाके कलरफुल तोते, तोतियाँ, और वो जो होती हैं क्या होती हैं वो फिंचेस, सारी चीज़ें लाके ना एक अच्छी सी अवेरी बना के यहाँ पे घास वास जो हमने लगाई है ना वहाँ पे आर्टिफिशियल वाली, इधर भी लगा देंगे, और इधर पौधे वौधे सब लगा के ना मतलब इसको भी पेंट कर देंगे यार। क्या बोलते हैं आसिम भाई, इधर ही करा दें हाथ के हाथ? जी हाँ बिल्कुल करा दे। चलो आसिम भाई को इसका भी डिजाइन बना के देते हैं, यहाँ भी बनाते हैं, और यहाँ पे ना मटकियां मटकियां लगा के ना अच्छा प्रॉपर वीआईपी हो जाएगा, ये भी शौक हो जाएगा अपना। तो भाई शौक ही है। तो दोस्तों भाई यही करेंगे जल्दी से यार, हम लोग ये काम शुरू करने वाले हैं कल से इंशाल्लाह। यही करेंगे कि भाई मैं आबिद को बोल देता हूँ ये मटकियां तो तू लगा दे,
कुछ दिखना शुरू हो जाए। यहाँ पे मटकियां लाइन से लगा दे, फिर इंशाल्लाह काम एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। दिखेगा ना दोस्तों, तभी तो बिकेगा, ऐसा ही है जी। तो यही बात है ना दोस्तों, हमें हांडियां लटकी हुई दिखेंगी कि भाई ये ऐसी लटकी हुई है, फारेंगे तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे करेंगे, और वो जल्दी ही करेंगे। तो इंशाल्लाह इसी हफ्ते में हम लोग अपने पैरेट्स के लिए घर बना देंगे। डन डन। चलो, क्या मुर्गी मुर्गी करे जा रहे हैं मेरे पीछे? असील मुर्गी लेकर आया हूँ, दूसरी असील मुर्गी। तो दोस्तों भाई अभी मैं ऐसी आगे जा रहा था, मैंने कैमरा बंद कर दिया, तो पीछे मुर्गी मुर्गी कर रहा है। तो भाई असील मुर्गी आई है नई हमारे फार्म पे। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई हमारे पास एक वाइट मुर्गी थी, उसने 7 अंडे, उसने अंडे तो 14 दिए थे, लेकिन उसके 7 अंडों में से बच्चे निकले थे। तो वो माशाल्लाह से भाई अपने बच्चों को टेक केयर कर रही है प्रॉपर तरीके से। वहाँ पे हमने उसका एक घर बना दिया, कल की वीडियो में मैंने दिखाया था। तो आज जो मुर्गी आई है ना वो दिखा दो, कहाँ है वो मुर्गे के साथ छोड़ी हुई है। ओए 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 यार, ये तो मुझे वो लग रही है कोई छोटी सी बच्ची। ये अभी थोड़ी छोटी सी है। हाँ अच्छी है माशाल्लाह। निकालो निकालो भाई, बड़ी वो चितकबरा है, चितकबरा। ओए ओए फुल भाई, मक्का चीनी मुर्गी ले आए, मक्का चीनी है ना, VIP भाई। लेकिन ये अभी छोटी है, इसको ब्रीड ब्रीड पे नहीं लगा देनी, 5-6 महीने की होगी। नहीं अभी लगेगी नहीं, नहीं लगेगी ना, नहीं लगेगी। तो इसको थोड़ा बड़ा करो, थोड़ी बड़ी हो जाओ, फिर तुम्हें भी अंडे देने। इधर देखो ना, ऊपर देखो ना, ऊपर ऊपर, जल्दी से बड़ी हो जाओ, अंडे दोगी तुम यहाँ पे। फिर इसको लाओ दो यार, मेरे हाथ में तो दो। ओए होए दोस्तों भाई, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी मुर्गी है। इसमें ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, और यहाँ से ग्रीन भी, कितने सारे कलर्स हैं यार इस मुर्गी में। और ये कितनी प्यारी, और ये मैंने सुना है जो बड़े गर्दन वाली होती है ना, जब मतलब जिसकी बड़ी गर्दन होती है वो अच्छी नस्ल की होती है, वो शिकारी होती है, वो लड़ाई वाली होती है। लेकिन ये तो मुर्गी है। चलो, असल में मुर्गी जो है ना वो नस्ल देती है, वही हाँ, लगता है ज्यादा। हाँ मतलब बच्चे जो आते हैं मतलब मुर्गी से आते हैं, से ही आते हैं। इधर दिखाओ मुझे, दिखाओ। तो दोस्तों भाई इसके साथ जल्दी से आप भी थंबनेल ले लेगा कि न्यू एंट्री हुई है, जल्दी से अच्छी से पिक्चर ले ले भाई। सारे के सारे मेरे थंबनेल्स जो होते हैं ना, सारी की सारी पिक्चर्स आबिद लेता है। VIP ट्रेन हो गया, शुरू शुरू में इसको मसला हो रहा था, लेकिन अब इसको आ गया है भाई प्रॉपर तरीके से। VIP हो गया ना, तो कैमरा वैमरा दिला दें, फिर कैमरा लेंगे। हाँ लेंगे, बड़ा भाई टेंशन नहीं है, ले आऊंगा एक दो दिन में। सही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी बर्ड्स के हवाले से। अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसी वीडियोस और भी आए हमारे चैनल पे, हमारे पास और भी म्यूटेशंस है उसकी भी हम लोग आपको ब्रीडिंग दिखा सकते हैं, तो ज़रूर कॉमेंट से बताइएगा। इंशाल्लाह इसकी वीडियोज़ बनाया करेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट मस्ट कर दे यार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। इसी के साथ यार अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।